বিএসএফ একশো তিরিশ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে বিলোনিয়া মহকুমার সীমান্তবর্তী গ্রাম রাধানগরে খাদ্যদ্রব্য তুলে দেওয়া হল বিভিন্ন পেশায় নিম্ন আয়ের মানুষদের হাতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউনের ফলে কাজহীন হয়ে পড়েছেন মানুষগুলো বিএসএফ আধিকারিক জানিয়েছেন শুধু খাদ্যদ্রব্য বিলি নয় স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেয়া হচ্ছে সপ্তাহে একবার করে পাশাপাশি লকডাউন মেনে চলা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে নাগরিকদের आपको पता है कि ये नेशनल क्राइसिस है किसी इंडिविजुअल की बस की नहीं हम सबको मिलकर फाइट करना है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हर कंपनी हमारी बटालियन की एक बटालियन की अपने अपने इलाके में पिछले एक सप्ताह से कर रही है कई गांवों में हमने किया है और ये चलता रहेगा हर हफ्ते कुछ ना कुछ हम नए तरीके से करते रहेंगे क्योंकि तो जो बॉर्डर पॉपुलेशन है अल्टीमेटली ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है तो ऐसे मुश्किल वक्त में डिफ़िकल्ट टाइम में ये निश्चित रूप से बॉर्डर गार्डिंग के अलावा ये हमारी सेकेंडरी ज़िम्मेदारी होती है खास होती है तो सबको इस तरह से साथ लेके चलना मुश्किल वक्त में कंधा से कंधा मिला खड़े रहना उनको इन छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं हुई जैसे राशन की मेडिसिन की उनको टेस्ट की अवेयरनेस की पीने का पानी की जो चीजें हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और ये हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे जब तक ये फेज हमारा जब तक मुश्किल से हम विन ओवर नहीं कर लेते जीत नहीं लेते